दोस्तों, चुनावी तारीखों की घोषणा के महज दो दिन बाद ही राजस्थान में चुनाव की तारीखें बदल चुकी हैं। अब 25 नवंबर को मतदान होगा, जो पहले 23 नवंबर को होने वाला था। और ये तारीखों में बदलाव क्यों किया गया है? तो क्योंकि दोस्तों 23 नवंबर को देव उठनी ग्यारस मिल रही है, और देव उठनी ग्यारस पर आपको पता होगा भारी संख्या में शादियों के आयोजन होते हैं, तो लोग बाग शादी में बीजे रहेंगे तो वोट डालने नहीं जा पाएंगे। इसलिए चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया कि राजस्थान में मतदान अब 23 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, ये आप देख सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस नोट में आज ये तारीखों के बदलाव की जानकारी दी गई। और अब इस बदलाव के बाद चुनाव का पूरा नया शेड्यूल क्या होगा, जो भी आप डिटेल देख सकते हैं ये हिंदी में इस टेबल में देखिए आप। चुनाव में नामांकन की शुरुआत 30 अक्टूबर को होगी, नामांकन की आखिरी तारीख 6 नवंबर को रहेगी, नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 7 नवंबर को आएगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 9 नवंबर को रहेगी। मतदान 25 नवंबर को होगा, जो पहले 23 तारीख को तय था, और मतगणना यानी कि रिजल्ट चुनाव के नतीजे जो है वो 3 दिसंबर को ही आएंगे। राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर बताया था अपडेट। इस बार राजस्थान में वोटर्स की संख्या भी काफी बड़ी है, 5 साल में 10.2% वोटर्स बढ़े। हो सकता है इस बार हमें राजस्थान में सरकार भी बदले हुई नजर आए, क्योंकि युवा वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। और इस बार चुनाव आयोग ने एक और नई पहल की है, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए वोट फ्रॉम होम यानी कि घर से ही वोट डालने की सुविधा भी शुरू की है। घर से मतदान करने के लिए आपको एक काम करना होगा, चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के 5 दिन के अंदर 12D फॉर्म भरना होगा। 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए ये सुविधा घर से वोट डालने की फैसिलिटी मिलेगी। ये मतदाता मतपत्र के जरिए वोट डालेंगे। 100 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स का चुनाव आयोग सम्मान करेगा, यदि वे पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो उनको वोटिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार चुनाव आयोग की तरफ से कुल 51,756 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं राजस्थान राज्य में। पिछले 5 सालों के राजस्थान में चुनाव के परिणाम और ट्रेंड भी आप देख सकते हैं, जिसमें ये ऑरेंज कलर की लाइन जो दिख रही होगी आपको, ये भाजपा की लाइन है। 1998 से लेकर 2018 तक के चुनाव में एक बार कांग्रेस आती है तो वापस एक बार बीजेपी, फिर एक बार कांग्रेस तो फिर एक बार बीजेपी और फिर एक बार कांग्रेस। इस लिहाज से इस ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो इस बार वापस बीजेपी का नंबर है। राजस्थान में हर 5 सालों के बाद चुनाव के साथ साथ सरकार भी बदल जाती है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आप राजस्थान से कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके बताइए मुझे आपके जिले का नाम। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।